हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। आज जो है भाई साहब, हम ना LALR1 पार्सिंग टेबल को फाइनली हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। ये टेबल को देख के आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि भाई ये तो CLR1 का पार्सिंग टेबल है जो जस्ट पिछले वीडियो में हमने कंस्ट्रक्ट किया था और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपकी बुद्धि जो है बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल ही कतई सही चल रही है। ये CLR1 का पार्सिंग टेबल ही है, इसी को हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, इसी में हम थोड़े बहुत चेंजेस करने वाले हैं और फिर बाद में चेंजेस करने के बाद जो पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी LALR1 पार्सिंग टेबल। इसे आप सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हो कि अगर भाई साहब आपने CLR1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिया तो 90% जो आपका काम है, 90% ऑफ द वर्क यू आर डन विथ रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ LALR1 पार्सिंग टेबल। और जो बचा हुआ 10% का काम है वो इस वीडियो के थ्रू, जो थोड़े बहुत चेंजेस है, जो मेजर चेंजेस हैं, ओके, वो आपको मैं यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट बिफोर मूविंग फर्दर विथ माई एक्सप्लेनेशन, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं पता कि भैया LR1 एटम्स क्या होते हैं, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 एटम्स क्या होता है, CLR1 का पार्सिंग टेबल जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो ज़रूर वीडियो को देखिए। जो जस्ट पिछला वीडियो था उसकी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी, जरूर देखिएगा। बिकॉज क्या होगा, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आके कूद पड़े हो, ओके, तो भाई आपको अभी जो आगे मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा अनरिलेटेड लगेगा, आप रिलेट नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। तो ये तकलीफ आपको ना हो इसलिए मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वीडियो की वो देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे आइएगा, फिर भाई साहब ये खेल हो जाएगा आपके लिए। आपके लिए इसे समझना और मेरे लिए समझाना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है? तो पहले वो देख लीजिएगा फिर यहाँ पे आइएगा, ठीक है? और पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बात करूँगा। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेट्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक है? I3, I6, I4, I7, I8, I9। अब आप बोलोगे भाई ये कहाँ से लिए तूने, ये कहाँ से आ गए? सिंपल सी बात है, पिछले वीडियो में जो कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 एटम्स हमने कंस्ट्रक्ट किए थे उसमें से स्पेसिफिकली चुन के मैंने ये स्टेट्स आपके सामने रख दिए हैं, बराबर। अब आप बोलोगे भाई I0, I1, I2 से क्या दुश्मनी, उनको यहाँ क्यों नहीं इंक्लूड किया, सिर्फ इन्हीं को क्यों इंक्लूड किया है, इनमें ऐसी क्या खास बात है? दोस्तों इनमें कुछ अलग बात है, इनमें कुछ खास बात है, इसीलिए यहाँ पे मैंने इसे इंक्लूड किया है। ओके, नाउ इनके बेसिस पे हम यहाँ पे चेंजेस करने वाले हैं। ओके, अब वो कैसे होगा? इफ़ यू ऑब्जर्व I3 एंड I6, इसका जो बेस मटेरियल है वो सेम है, LR0 आइटम्स दोनों ही स्टेट्स में सेम है, खाली अंतर अगर आप देखोगे तो वो उनके लुक अहेड में है, यहाँ पे A और B, यहाँ पे डॉलर, बराबर। और ये जो डिफरेंस है लुक अहेड का, इसी की वजह से हमें दो स्टेट्स को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ा था इन द कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 एटम्स। दो स्टेट्स डिफरेंटली हमें कंस्ट्रक्ट करने पड़े थे, क्यों? बिकॉज ओनली एंड बिकॉज ऑफ दिस लुक अहेड। सिमिलर रीजन फॉर दिस ऑल्सो, I4, I7 बेस मटेरियल सेम, लुक अहेड डिफरेंट, I8, I9 LR0 आइटम्स सेम, आपका लुक अहेड डिफरेंट। ओके, तो अभी इस वजह से हुआ क्या, जो CLR1 पार्सिंग टेबल में अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ स्टेट्स है वो इंक्रीज हो गए। इनिशियली अगर आप देखोगे LR0 पार्सिंग टेबल में फॉर द सेम एग्जांपल 7 स्टेट्स भी जनरेटेड, और यहाँ पे फॉर LR1 आइटम जब हमने कंसिडर किए और कुछ ऐसा बिहेवियर हमने नोटिस किया जिस वजह से हमें लुक अहेड डिफरेंट होने की वजह से दो स्टेट्स को वहाँ पे एक तरीके से कंस्ट्रक्ट करना पड़ा, तो हमारे टोटल 10 ऐसे स्टेट्स तैयार हुए, टोटल 10 ऐसे स्टेट जो है वो तैयार हुए। लेकिन मुझे ये मान्य नहीं है भाई, मुझे तो इसे रिड्यूस करना है, ये जो नंबर ऑफ स्टेट्स का आंकड़ा बढ़ गया है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिड्यूस चाहिए, आई वॉन्टेड रिड्यूस। तो वो कैसे करूंगा मैं, हाउ आई एम गोइंग टू रिड्यूस? तो सिंपल सी बात है, यहां पे हम सिर्फ एक टेक्निक यूज करेंगे, बड़ी सिंपल टेक्निक। क्या है भैया, जिन जिन स्टेट्स का LR0 आइटम सेम है और खाली लुक अहेड में फर्क है, इन दोनों स्टेट्स को आपको पकड़ना है और मर्ज करना है और एक नए स्टेट को जन्म देना है, एक नए स्टेट को जनरेट करना है। दैट्स द सिंपल थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू रिपीटेडली, बराबर यही काम करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल I3, I6 इनका बेस मटेरियल सेम है, सिर्फ आपका लुक अहेड डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे, इस स्टेट को पकड़ोगे, इस स्टेट को पकड़ोगे, इन दोनों को मर्ज करोगे और एक नए स्टेट को जन्म दोगे। लेट्स से वो जो नया स्टेट बनाया वो I36 है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, मर्ज्ड वर्जन ऑफ बोथ ऑफ द I3 एंड I6 इज I36, बराबर। ओके, सिमिलर फैशन में भैया इन दोनों के लिए भी करोगे, क्योंकि इनका भी कुछ बिहेवियर वैसा ही है, LR0 आइटम सेम है, सिर्फ लुक अहेड डिफरेंट है, और यहाँ पे जो एक नया स्टेट जनरेट होगा उसे I47 बोलता हूँ, और यहाँ पे भी एक नया स्टेट ऐसा जनरेट होगा जिसे मैं I89 बोलता हूँ, बराबर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे क्या किया मैंने, तीन स्टेट्स को कम कर दिया,
तो 10 में से अभी मुझे 7 दिखाई देंगे, बराबर। अब ये जो चेंजेस हैं वो मैं इस टेबल में रिफ्लेक्ट करने वाला हूँ। एक बार ये चेंजेस मैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दूँ, उसके बाद जो स्ट्रक्चर, उसके बाद जो टेबल आपको बन के दिखेगा वो होगा आपका LALR1 पार्सिंग टेबल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो चेंजेस हैं वो आपको यहाँ पे स्टेट्स में करने हैं। ये 012 क्या है, I0, I1, I2, I3, इनमें आपको चेंजेस करने हैं, बिकॉज अभी आपका एक कंबाइंड वर्जन आपको दिखने वाला है, बराबर। आप अभी I3, I6 नहीं रेफर करोगे, आप I36 रेफर करने वाले हो, ठीक है। तो इसीलिए अभी मैं क्या करूंगा, सिर्फ 36 कर दूंगा, सिर्फ 6 नहीं 36 कर दूंगा, सिर्फ 4 नहीं 47 4789 89, लाइक दिस आई एम गोइंग टू डू। तो पहला चेंज मैंने क्या किया, भारी तौर पे कर दिया, स्टेट चेंज कर दिए। अगला जो मूव है वो कौन सा है, जो S है, यानी कि आपके जो शिफ्ट मूव्स हैं उनमें अगर आपको 3 दिखे तो उसको अकेला नहीं छोड़ना है, उसके साथ 6 को चिपका के रखना है, 36 4 दिखे 47 7 दिखे 47 लाइक दैट यू हैव टू डू। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैंने 6 कर दिया, यहाँ पे S4 है तो S47 कर दिया, यहाँ पे सिर्फ 6 है तो यहाँ पे 36 कर दिया, यहाँ पे सिर्फ 7 है तो यहाँ पे 47 कर दिया, सिमिलरली 36 47 करते चलो, 36 47 और कौन सा बच गया, ओके वी आर डन विथ ऑल द शिफ्ट मूव्स, ओके।